अर्षद अर्षद, आई एम ए वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एम्प्लॉय इन वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, चंद्रपुर बल्लारपुर स्टेट। एंड सर, आई एम ए रेस्टोरेंट इन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। जी कंटेंशन इज दैट आई एम ए मेंबर ऑफ गौरी कर्मचारी सोसाइटी विच इज प्रोवाइड लोन टू हिज मेंबर्स एंड आई एम ऑल्सो मेंबर, बट रिस्पॉन्डेंट डोंट वॉन्ट टू गिव मी होम लोन बिकॉज आई एम नॉट ए रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। सो सर, आई हैव राइट्स फॉर होम लोन बिकॉज आई एम ए मेंबर, बट रिस्पॉन्डेंट्स। ये जो संस्था है गौरी ओपन कास्ट कर्मचारी संस्था, ये महाराष्ट्र में है। एक महाराष्ट्र में मैं सर उसका मेंबर हूँ। सेकंड, आप होंगे, एक पूरी बात सुन लीजिए। आप उसके मेंबर है, इसका क्षेत्राधिकार कहाँ है संस्था का? संस्था की बायलॉज लगाई है आपने? हाँ सर, लगाए पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 14, 14, पेज नंबर 14 है सर। है ये एनेक्सर है, ये बुक है उनकी एनुअल बुक। हाँ तो सर उसमें जो पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 नहीं सर, पेज नंबर 4, हाँ पेज नंबर 4 तो बताइए। उसमें सर राइट है, लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट नंबर 13 है, एक सेकंड, अमित कुमार वर्मा यांचे एक जी, मिनट रुक जाइए प्लीज, सर पेज नंबर 4। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। ये तो मराठी में है। नहीं, हाँ सर, पर उसकी एक लाइन में बता रहा हूँ आपको हिंदी में। आप हाँ मेंबर हैं, इस बात को मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ। सर, रजिस्ट्री ने यह आपत्ति लगाई है कि यह मुकदमा यहाँ नहीं लगेगा। मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि इस संस्था का, विरोधी संस्था का क्षेत्राधिकार कहां तक है? सर क्योंकि मैं छिंदवाड़ा का निवासी हूँ तो मैं यहाँ पर अपना केस लड़ सकता हूँ, बाकी वो संस्था वहां पर मुझसे भेदभाव कर रहा है क्योंकि मैं मराठी नहीं हूँ। आपकी बात, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ सर, मराठी व्यक्ति है क्या यहाँ पर जो मराठी पढ़ सकता हो? बुलवाते हैं हम अभी आपको। मतलब तहसील राजूरा में उसका क्षेत्र अधिकार है, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, वहीं वहीं मैं सर्विस भी करता हूँ। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, वही हाँ तो आपसे समझना चाह रहा था। हाँ आप चंद्रपुर में सर्विस करते यस हैं, सर, आपका घर भले ही वहां होगा तो घर आपको घर यहाँ पे छिंदवाड़ा में है। हर होने से नहीं होता है। आपको ये पिटीशन महाराष्ट्र नागपुर में लगानी पड़ेगी। अरे इसको आप वापस ले लीजिए, हम वापस कर देते हैं, खारिज नहीं करेंगे। इसको वापस लेके नागपुर में लगाइए, क्योंकि जो संस्था है ना, ये विरोधी संस्था, हाँ सर, इसका क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र में है, यहाँ नहीं है। आपके यहाँ रहने से पिटीशन यहाँ नहीं लगेगी, ठीक है? सर श्री अमित वर्मा, पिटीशनर इन पर्सन, ठीक है। After arguing for some time, prays for withdrawal of this petition. Nay, informs this court that he is working at Chandrapur, Yes, but resident of district Chindwara. sir. Full stop. In his capacity as an employee of कौन सी कहाँ काम करते कोल हैं? इंडिया वेस्टर्न कोल फील्ड वेस्टर्न लिमिटेड। कोलफील्ड्स। He is member of the respondent society. यस सर, Full stop. He admits that the territorial jurisdiction of the Western Society, the respondent society, is within the territorial limits of Maharashtra. Therefore, he prays for withdrawal of this writ petition with liberty to file before the High Court of competent jurisdiction under which Chandrapur, चंद्रपुर महाराष्ट्र। Maharashtra comes. Full stop. In above terms, petition is returned back to the petitioner, petition be returned back to the petitioner. Full stop. Registry is directed to return his original papers on production of photocopy. आप अपने रजिस्ट्री में जाइएगा, हाँ सर, ठीक अभी हम इसको जल्दी भिजवा देंगे, 1:30 बजे है इसको सर, भिजवा देना भाई, और अपने मूल कागज वापस ले लीजिएगा, उनकी फोटोकॉपी वहां पर दे दीजिएगा। ठीक है।